अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू और बीन्स की सब्ज़ी, जो बहुत टेस्टी बनता है और ये हर घर में बनता है और सब लोग को बहुत पसंद आता है आलू बीन्स की सब्ज़ी। तो चलिए मैं नए स्टाइल में बनाना सिखाती हूँ और आप लोग सारे वीडियो को ज़रूर देखिएगा और मुझे लाइक और सपोर्ट ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैं ले ली हूँ 250 ग्राम करीब, मैंने बीन्स ले लिया और उसके बाद मैंने छोटे साइज़ के आलू 3 ले ली हूँ। उसके बाद 2 टमाटर ले ली हूँ। एक पैन ले ली, उसमें डाल दी हूँ तेल और इसी में डाल दूँगी फ़ौरन, और ये थोड़ा सा चटक जाएगा तो इसी बीच में ऐड कर दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट और इसे अच्छे से भून लूँगी। जब ये अच्छे से भून जाएगा तो इसी बीच इसमें डाल दूँगी मिर्च पाउडर टेस्ट अकॉर्डिंग और हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर और नमक हसबे जायका, और ये सबको मैं भून लूँगी। उसके बाद मैं एक प्याज को ना कट कर ली थी, उसको मैं डाल दूँगी। उसके बाद जब ये सब अच्छे से भून जाएगा मसाला, उसके बाद इसमें मैं सब्ज़ी ऐड कर दूँगी और उसके बाद इसको ना अच्छे से मिक्स कर लूँगी सब्ज़ी को मसाले में। उसके बाद इसी बीच में डाल दूँगी टमाटर, उसको टमाटर डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो मैं सबको मिला लेती हूँ अच्छे से। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत बहुत अच्छा बनता है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। आप इसे चावल के साथ या रोटी के साथ खाइएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। अब इसे मैं इसी बीच ढक दूँगी। उसके बाद 5 मिनट के बाद मैं इसे फिर से खोलूँगी तो ये तेल साइड में अलग हो चुका है और सब्ज़ी भी। तो इसे थोड़ी देर और भूनूँगी और 1-2 मिनट तो इसे ढक के फिर से रख दूँगी। उसके बाद फिर इसे 1-2 मिनट के लिए खोल के रखूँगी तो ये भून चुका है और तैयार हो चुका है बहुत अच्छे से। एक बार मैं सबको अच्छे से मैं मिला लेती हूँ, अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। उसके बाद इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी, पानी ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी। तो मैं इसमें डाल दूँगी पानी और पानी डाल के इसे अच्छे से मिला लूँगी। उसके बाद फिर इसे ढक दूँगी और तो ये हो चुका है आलू बीन्स की सब्ज़ी रेडी। तो मैं इसे कर लेती हूँ सर्व। तो ये मैं कर लेती हूँ सर्व। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और आप लोग मुझे सपोर्ट करिए ताकि मैं नए नए रेसिपी लेकर आपके